इंदौर में स्वास्थ्यकर्मी फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने एकजुट होकर इंदौर संभाग आयुक्त कार्यालय पर पहुंचकर कलेक्टर मनीष सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कलेक्टर को हटाने की मांग की। दरअसल बुधवार को जिला स्वास्थ्य अधिकारी पूर्णिमा गडरिया ने यह कहते हुए इस्तीफा दिया था कि कलेक्टर ने उनके साथ एक बैठक के दौरान अभद्रता की थी और इस्तीफा देने को कहा था, जिसके बाद गुरुवार देर शाम संभागायुक्त कार्यालय पर सभी संस्था के समस्त चिकित्सक अधिकारी, नियमित संविदा तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी, सभी कोरोना सैंपलिंग आरआरटी होम आइसोलेशन सीसीसी टीम और सभी फील्ड कर्मचारी मेडिकल ऑफिसर की 10 यूनियन के सदस्य और संबंधित लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा मौके पर मौजूद मंत्री तुलसी सिलावट से चर्चा की, जहां आईजी हरिनारायण चारी मिश्र भी मौजूद रहे। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने कलेक्टर मनीष सिंह को हटाने की मांग शासन प्रशासन के प्रमुख लोगों के समक्ष रखी, साथ ही ऐसा नहीं होने पर काम बंद कर हड़ताल करने की चेतावनी भी दी। इस दौरान इंदौर सीएमएचओ प्रभारी डॉक्टर पूर्णिमा गडरिया भी संभागायुक्त कार्यालय पहुंचे। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। और वो हमारे मार्गदर्शक थे, हमारे पोषक थे जिला स्तर के अधिकारी होने के नाते, और हम लोग जनहित को देखते हुए हमने अपने स्वयं के हित को परे रखा, लेकिन अभी परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि हमारी एक प्रथम श्रेणी महिला अधिकारी को पद से त्यागपत्र देने के लिए मजबूर कर दिया गया है, तो हमारे पास सिवाय इसके अब कोई चारा नहीं था कि शासन का ध्यान जल्दी से जल्दी आकृष्ट करके समस्या का स्थायी समाधान ढूंढा जाए। सर, मैं मिलने के लिए पहुंचे थे, मुलाकात की है, क्या पूरा मामला है? जी मैडम बताएं। अभी जैसा कि हमने ज्ञापन दिया है, हमारी एक ही मांग है कि जब तक जिलाधीश महोदय मनीष सिंह सर को नहीं हटाया जाएगा, तब तक हम कोई भी काम पर नहीं। क्या कारण है आप उन्हें हटाना चाह रहे हैं, क्या हो गया था? हम प्रतिदिन किसी न किसी को लज्जित होना पड़ता है उनके शब्दों से, उनके अपमान से, तो अब ये अब और हमसे नहीं सहा जाएगा और हम इस तरह से अब उनके विरोध में खड़े हो गए हैं और अब उनको हम किस तरीके की परिस्थितियाँ बन रही हैं। आप लोग भी 24 घंटे काम कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी काम कर रहे हो, जनता को इसमें जरूरत है डॉक्टर्स की, ऐसी क्या परिस्थितियाँ बन रही है पिछले एक साल में जिसके चलते ये कदम उठाना पड़ रहा है डॉक्टर्स? वो तो आप लोग डेली अखबारों में देख ही रहते हैं कि हमारे साथ में क्या बर्ताव हो रहा है, इसी तरह कोई रिएक्शन नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन मेरे जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं सभी इस बात को लेकर बहुत विचलित हैं कि जिन मैडम के निर्देशन में हम काम करते हैं, जिन्होंने पूरा अमला संभाल के रखा है, यदि वो निकम्मी है तो हम भी निकम्मे हैं, तो हम भी रिजर्वेशन दे देंगे। ये तो अभी बात का मुद्दा है। नहीं, आपने ज्ञापन में क्या दिया शिकायत में, वो बताइए। हम तो बस ये कि जिलाधीश महोदय को हटाया जाए तभी हमारा पूरा अमला काम। मैडम आपके साथ में केवल इंदौर ही नहीं, क्या पूरे प्रदेश के भी चिकित्सक साथ में जुड़ सकते हैं? जुड़ सकते हैं, सभी रेडी हैं, अभी इंदौर जिला सभी रेडी हैं। और दूसरा सवाल ये था कि इस पूर्व में भी सीएमएचओ प्रवीण गडरिया जी के साथ भी इस तरह घटना हुई थी, सब आप लोगों ने इस तरह का विरोध क्यों नहीं जताया है? जी हाँ, मैं फिर से दोहरा नहीं करेंगे, किसी को भी अभद्र असंसदी और अमर्यादित शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या इस बात का कोई वो है, क्या प्रूफ है कि वो अगली बार इस प्रकार की अपनी आदत, जो उनका स्वभाव बन चुका है, उस स्वभाव को वो बदल देंगे क्या? हमें नहीं लगता कि वो स्वभाव को नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि पिछले 14 महीनों से हर अधिकारी और कर्मचारियों को बुरी तरह से प्रताड़ित होना पड़ा है, जलील होना पड़ा है अपने अधीनस्थों के सामने, और ये चीज़ें जब उनका मनोबल ही तोड़ रही है, घर पे जाते हैं तो अपने को वो एक प्रकार का तनाव रहता है कि आज ऐसी बात हो गई वैसी बात हो गई। काम कर करके पूरे देश और दुनिया में डॉक्टर लोग एक प्रकार से थक गए हैं, ऐसी स्थिति में उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए कि मनोबल घटाना चाहिए, मैं ये आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ। नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ आपके सपने स्ट्राइक पे जाएगा। लगभग 1.5 से 2 हज़ार का अमला है पूरा, और इसमें आयुष विभाग के जो अस्थायी कर्मचारी भी हैं यदि उनको भी शामिल कर लिया जाए तो लगभग 4,000 लोग हैं। ऐसे में तो एपिडेमी के अस्पतालों में पेशेंट्स पड़े हुए हैं, मरा जाएंगे। बिल्कुल, लोगों का क्या दोष? बिल्कुल उनका किसी का कोई दोष नहीं है। सवाल ये भी है कि हम सरकार से की गई घोषणाओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम छोटी सी बात कर रहे हैं हमारे सम्मान की, और हमारा सम्मान केवल यदि एक व्यक्ति बार बार अपमानित कर रहा है और उसको परिवर्तित करके यदि व्यवस्थाएं सुचारू की जा सकती हैं तो सरकार को सोचना चाहिए। उतने समय से आप लोग क्यों? देखिए मैं फिर से दोहरा रहा हूँ
कि हमारे एक वरिष्ठ महिला अधिकारी द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है और यदि आज हम उनके साथ खड़े नहीं होते तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की चीज़ हमारे पूरे विभाग के लिए कुछ। लगभग पिछले 14 महीने से स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, पुलिस विभाग और हमारे जो इतने पैरा मेडिकल्स हैं सभी जी जान से लगे हुए हैं और ये भूल के भी कि महिलाओं को 5 बजे बाद मीटिंगों में ना बुलाया जाए, 10-10 बजे तक महिलाओं ने मीटिंग अटेंड करी है, चाहे वो हमारी आशा कार्यकर्ता ही क्यों न हो। लेकिन इन सब के बावजूद लगातार आप लोगों के द्वारा अखबारों के माध्यम से भी आपको विदित हुआ होगा कि कहीं ना कहीं ऐसे असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो बताना मुश्किल है। और इस वैश्विक महामारी में अपने शहर को बचाने के लिए सभी लोगों ने अपना अपमान का घूंट पीते हुए काम करते रहे। वर्तमान परिस्थितियों में चीज़ असहनीय इसलिए हो गई है कि विभाग की एक प्रथम श्रेणी महिला अधिकारी, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन अब चूंकि इस स्तर तक बातें आ गई हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि वो अनुसूचित जनजाति से संबंध रखती है, हम ये भी बोल सकते हैं कि वो महिला हैं और उनके सम्मान की पूरी रक्षा की जानी चाहिए। यदि वो कोई अधिकारी काम नहीं करता तो 2 महीने पहले आपके साथ वो काम कर रहा। चूँकि अभी ये निर्णय हुआ है कि हम सब लोग यदि कलेक्टर महोदय को नहीं हटाते हैं तो कल से हम लोग सब सामूहिक इस्तीफा देंगे, तो सारे सब इस्तीफा दिया जाएगा। इस्तीफा कल ही देंगे सर आप लोग? ये अभी हम सब मिलके फिर से, क्योंकि अभी हमारी माननीय मंत्री जी महोदय और कमिश्नर जी से हमारी चर्चा हुई है इस बारे में और उन्होंने हमें कुछ आश्वासन दिया है, अब हम लोग भी अपनी वापस से चर्चा करके उस पर निर्णय लेंगे। किस तरह के आश्वासन मिला है? उन्होंने ये दिया है कि हम आपकी जो मांग है प्रशासनिक स्तर पे चीफ सेक्रेटरी साहब को पहुंचाएंगे, पीएस टू चीफ सेक्रेटरी, और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। ये पहुंचाने वाली बात तो होनी है, व्यवहार की बात है, व्यवहार को लेकर आप सब नाराज है। उसके अलावा भी क्या इस कोविड से लड़ाई के दौरान कुछ फैसिलिटियाँ, कुछ इस तरह की व्यवस्था हो रही है जहाँ पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था? नहीं, दूर दूर रहना ठीक है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी शिकायत लेकर आए थे कलेक्टर साहब की, किस तरह का मामला सॉल्यूशन? नहीं, मामला तो आप जानते होंगे कि CMHO डॉक्टर पूर्णिमा मैडम ने त्याग पत्र कल दिया था, उसमें कलेक्टर साहब ने किसी समीक्षा के दौरान उनसे बातचीत हुई होगी गर्मा गर्मी, उसके तहत उन्होंने दिया था तो उसी का उन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्राप्त होता है, उसको माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को हम प्रेषित करते हैं, मैं उसको प्रेषित कर रहा हूँ। ज्ञापन में पूरे जो मामला है उसी के संदर्भ में उन्होंने लिखा है और साथ ही कलेक्टर के स्थानांतरण के बारे में निवेदन किया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित कर दिया है। सर, अभी काम में लौट रहे हैं, दोनों जो रिजिग्नेशन है वो मैडम गडरिया के हैं या कुमार साहब के, दोनों अपने अपने स्पष्ट लिख रहे हैं कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उनकी भाषा उनका व्यवहार बेहतर नहीं है, कितनी सच्चाई है क्या इस तरीके की? देखिए, मैंने इस विषय की कोई जाँच नहीं कही है और जो मैंने रेजिग्नेशन लेटर डॉक्टर पूर्णिमा गडरिया का देखा है उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा, उसमें लिखा है कि मैं त्यागपत्र देती हूँ और वो कमिश्नर स्वास्थ्य के नाम पे लिखा गया है तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी। मैंने निवेदन किया, मुझे संभावना जिस तरह से हमारा पूरा हेल्थ का स्टाफ दिन रात मेहनत कर रहा है, कोरोना की लड़ाई का भी मध्य है दूसरी वेव का, तो इन्होंने लिखा है कि कल सुबह 8 बजे से वो स्ट्राइक पे जाएंगे, पर हमने निवेदन किया है, चर्चा की है कि हम आपकी बात को उच्च स्तर तक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।